तो खबर दुमका से है, जहां बताया जा रहा है कोरोना का खौफ देखने को मिला है। प्रयागराज और वैष्णो देवी घूमकर लौटी बस को किया गया है सील। बस में करीब 55 यात्री सवार थे और सभी यात्री जो हैं वो सर्दी खांसी से ग्रसित पाए गए हैं। बस या बस के यात्रियों को आपको बता दें कि सहित जितने भी लोग उस पर मौजूद थे, दुमका मेडिकल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। किसी भी यात्री को बस से उतरने की इजाजत नहीं दी गई है। जांच के लिए मेडिकल टीम का गठन किया गया। तो बड़ी खबर हम आपको दुमका से बता रहे हैं, जहां पर आपको बताएं कि एक वैष्णो देवी से घूमकर एक बस आ रही थी, उसमें 55 की संख्या में यात्री बैठे थे, जिन्हें बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें खांसी और जुकाम की शिकायत थी, लेकिन उसके बाद से वहां पर मेडिकल टीम का गठन किया गया है और सभी की जांच की जाएगी। कई यात्री जो हैं वो सर्दी खांसी से ग्रसित हैं, ऐसे में कोरोना का खौफ है और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो एहतियात है वो बरतने की जरूरत है। किसी भी यात्री को बस से उतरने की इजाजत नहीं दी गई है। जांच के लिए मेडिकल टीम का गठन किया गया है। ये बस जो है उसमें 55 की संख्या में यात्री बैठे थे, जो प्रयागराज और वैष्णो देवी से घूमकर इसी बस में जो यात्री है वो दुमका लौटे हैं। कोरोना का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है, ऐसे में एक बार दुमका जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना के खौफ में है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बस यात्रियों से भरी एक बस वहां पर पहुंची है, जो बताया जा रहा है कि वैष्णो देवी और प्रयागराज से घूमकर ये बस में यात्री लौट रहे थे। इस दौरान इन यात्रियों में कहीं ना कहीं खांसी और जुकाम की शिकायत है, जिसके बाद से बस को सील कर दिया गया है। किसी भी यात्री को वहां से उतरने की बस से उतरने की इजाजत नहीं है और इसके बाद मेडिकल टीम का गठन किया गया है। और दुमका संवाददाता राकेश फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। राकेश, ये बस बताया जा रहा है वैष्णो देवी प्रयागराज से घूमकर इसमें यात्री लौट रहे थे, बस को सील कर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? वहां पे यात्रियों को बस से उतरने की भी इजाजत नहीं है। मेडिकल टीम का गठन जो होना है कब तक होगा? वहां पे उनकी इलाज कब तक की जाएगी? यात्री जो है पूजा पाठ करके जो है लौट रहे थे, उसके बाद ये जो है देवघर गए थे, देवघर से जो है ये जो है अपना जो है घर जा रहे थे। इसी में प्रशासन को पता चला, प्रशासन ने सार्विक कार्रवाई करते हुए जो है दुमका के डीसी मोड़ में, डीसी चौक में जो है इस बस को रोक के जो है दुमका के जो है हॉस्पिटल, दुमका हॉस्पिटल ले गए और वहाँ जो है एक कैंप के अंदर में इन लोग को रखा गया है बस के अंदर में ही। अभी जो है मेडिकल टीम जो है तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगा कि इन लोग को कोरोना है या नहीं है। जी चलिए राकेश, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं कोरोना का एक खौफ है, इस कहर से बचने के लिए लगातार जो है लोग एहतियात बरत रहे हैं। ऐसे में जो ये बस पहुंची है वहां यात्रियों से भरी हुई बस, उसकी सील कर दिया गया है। यात्रियों को बस उतरने की इजाजत नहीं दी गई है। जिला प्रशासन जो है इसको लेकर पूरा अलर्ट है। जितने भी यात्री है उनकी मेडिकल टीम गठन करके उनका टेस्ट किया जाएगा।